वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज का आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 अवर सोसाइटी। अवर सोसाइटी मीन्स हमारा समाज। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर सोसाइटी प्रेजेंट। वर्तमान में हमारी सोसाइटी का प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ढांचा क्या है। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी आर हेल्पफुल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। किस तरह हम अपनी शिक्षा से अपनी आपको बढ़ाने में समाज में योगदान दे सकते हैं। विच आर द मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, और हमारे समाज में सोशल प्रॉब्लम कौन सी है। मेजर्स टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस। मेजर टेकन फॉर अपलिफ्टमेंट मतलब किस तरह हम एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट को ऊपर बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट हेडिंग है हमारा टॉपिक का अवर सोसाइटी। सोसाइटी इज मेड विद द कॉर्डियल रिलेशन ऑफ पीपल। इंडिविजुअल इज अ यूनिट ऑफ द फैमिली। द फैमिली इज नेसेसरी एंड सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा समाज है वो एक कोऑर्डिनेशन रिलेशन पे टिका हुआ है, जिसमें हमारा जो एक एक व्यक्ति थे वो एक यूनिट है और उससे मिलकर बना है हमारा समाज। द वर्च्यू ऑफ ए मैन बींग सोशल इज ऑल ड्यू टू म्यूचुअल डिपेंडेंस। हम सब अपने सामाजिक कार्य में एक दूसरे से जुड़े हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है एंड कैन नॉट फुलफिल नीड्स एंड इंटरेस्ट विदाउट सोसाइटी। जो समाज के बिना अपनी आवश्यकताओं की नीड्स अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज इट्स स्ट्रक्चर, इट हैज इट्स ओन कल्चर एंड एजुकेशन। जो समाज है उसका इंडिविजुअल एक अपना स्ट्रक्चर है, अपना एक कल्चर है और उसकी शिक्षा है। द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमटेंसेस। जो समाज है उसके दायित्व है, उसका मूल्य हर दिन चेंज होता रहता है परिस्थिति के आधार पर। अवर सोसाइटी स्टिल सफर्स फ्रॉम एवल्स ऑफ नैरो कास्टिज्म। लेकिन इसके अलावा हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं जिससे हम लड़ रहे हैं। द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी परसिस्ट इवन टूडे। उसमें एक जातिवाद और एक छुआछूत की भावना एक प्रमुख समस्या है। पोजिशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज नॉट येट ए पार विद मैन। आज भी समाज में वुमेन को वो नहीं दर्जा दिया जाता जो कि पुरुष को दिया जाता है। केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, कुछ बाल विवाह होते हैं। डेथ पीस, जो मृत्यु के समय भोजन दिया जाता है। बेगिंग, भिखमरी और ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वायर मतलब जो शराब पीने की आदत है। एंड ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग्स लेने की आदत है जो हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देता है। डोरी एंड मैरिज सच प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। और डोरी जो एक दहेज प्रथा है जिससे हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उनको जूझना पड़ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है हमारे देश को बहुत तरह से प्रभावित कर रही है। सेकेंड हेडिंग इज एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। द एजुकेशन इज ए बिल्ड ऑन कल्टिवेट गुड सेविंग एमोंग द एज पर द नीड्स ऑफ सोसाइटी। जो शिक्षा है वह भी हमारे समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता है। अ गुड एजुकेशन कैन मेक सोसाइटी प्रोग्रेसिव बाय मेकिंग पीपल अवेयर इन एंशेंट इंडिया। जो हमारी शिक्षा थी उसके प्रति हमारे पहले भारत ने काफ़ी अच्छा गुरुकुल और वो सारी थी, लेकिन बट द कंट्री सफर्ड ड्यू टू 100 ईयर्स ऑफ स्लेवरी। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारी जो भारत था वो कई समय तक उसमें जकड़ा रहा और उस ब्रिटिश रूल के समय में कोई भी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। द टेक्निकल एजुकेशन वॉज नील। तो उस समय जो हमारी जो शिक्षा थी वो पूरी तरह से शून्य हो गई थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वेयर नॉट प्रमोटेड। घरेलू जो उद्योग थे वो भी नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल बाय ओपनिंग स्कूल। भारत ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओपनिंग स्कूल खोले गए, कॉलेजेस बनाए गए, यूनिवर्सिटीज बनाई गई और साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन को भी लाया गया। एट एजुकेशन इज गिवन एजुकेटेड इम्पोर्टेंस। आज के समय में वह एक इम्पोर्टेंस रखती है एजुकेशन, शिक्षा भी।
प्राइमरी एजुकेशन इन दिसंबर 2002 86 अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट क्या होता है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से कोई बात है लिखी हुई उसमें कुछ ऐड करना वो अमेंडमेंट जोड़ा जाता है। हैज़ बिन इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स। अ प्रोविजन हैज़ बिन मेड फॉर फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 20 ईयर्स। ये क्यों लागू किया गया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सभी को अच्छी शिक्षा दी जाए। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन हैज़ बिन गिवन प्रॉपर अटेंशन एट प्रेजेंट। आज के समय में जो टेक्निकल तकनीकी शिक्षा है उस पर भी महत्व दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ ए कंट्री इज कंडक्ट। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज। पार्टिसिपेशन कैन बी इफेक्टिव ओनली वेन द सिटीजन एंड आर कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज। दे शुड बी एबल टू वे ए पब्लिक इशू इन ए मोर बैलेंस्ड वे एंड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। दिस आर सम ऑफ द क्वालिटीज अ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप थ्रू एजुकेशन इन मेकिंग हिम अवेयर एंड वेल इन्फॉर्म। सच ए गुड सिटीजन हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू द स्पीड एजुकेशन। ओनली एलाइंट सिटीजन कैन हेल्प ए डेमोक्रेसी टू ग्रो। मतलब ये बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी है मतलब हमारा प्रजातंत्र है उसमें अगर हम शिक्षित होंगे तो सरकार को हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम एजुकेशन है हमारे पास तो हम सही और गलत को समझ सकते हैं और हमारी ड्यूटी मतलब कॉन्शियस सचेत होकर हम अपने दायित्व का निर्वाह भी करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू। अगर हम शिक्षित हैं तो हमें देश की सारी आर्थिक और सारी जितनी भी परेशानी है और जो भी प्रजातंत्र है उसमें क्या चल रहा है वो हमें समझ में आएगा, और जितने भी नागरिक हैं आपस में जो फंक्शनिंग जो रूल सरकार जो नीति ला रही है वो भी हम आसानी से समझ पाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द एज ऑफ ग्रुप ओवर 15 ईयर्स आर इलिटरेट अप्रोक्सीमेटली 35%। फॉर इट्स एडिक्शन पब्लिक लिटरेसी ड्राइव्स इट्स बीइंग रन। द एम ऑफ प्रोग्राम इज मेयरली नॉट एजुकेटिंग बट ऑल्सो टू प्रोवाइड वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी। द मीनिंग ऑफ वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी इज दस। अब आज क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15 साल की एज को पूरा कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो इलिटरेट है मतलब अनपढ़ है, तो उनके लिए सरकार ये कर रही है कि उनको कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो थोड़ा सा वर्क ओरिएंटेड, जिससे उनका केवल काम निकल जाए। तो वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी ऐसी क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है जिसमें उनको थोड़ा लिखना थोड़ा पढ़ना और थोड़ा मैथ्स का ज्ञान हो जिससे वो अपने आर्थिक जीविका को चला सके। टू नो वंस ओन वीकनेस, और वो क्या है, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर अपनी वीकनेस को जान ले तो वो अपने अभावों के कारण को समझ सकता है और आगे बढ़ सकता है। थर्ड पॉइंट इज टू मेक एफर्ट टू रिमूव द वीकनेस। अब अपने अभावों अपनी गमियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने हैं। लास्ट पॉइंट इज टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी इंटेग्रिटी एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड स्मॉल फैमिली। और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में और पर्यावरण में अपना योगदान किस तरह दे सकते हैं वह भी इसमें बताया गया है। मेजर स्पेशल प्रॉब्लम्स। अब हमने देखा कि आज के समय में जो एक परेशानी आ रही है वो क्या है कि सम सोशल प्रॉब्लम्स आर द हर्डल इन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। मेन प्रॉब्लम्स लाइक कॉम्युनलिज्म लिंग्विस्टिक्स कास्टिज्म एंड सेपरेटिज्म। तो ये सारी चीज़ें आपने नेशनल इंटीग्रेशन चैप्टर में रीड की है जिसमें आपको बताया गया था कि किस तरह जातिवाद को लेकर लोग पिछड़ते जा रहे हैं, तो वो उस बात पे हमको ना ध्यान देकर केवल एजुकेशन को ध्यान देना है और अपनी डेमोक्रेसी को सुधारना है। नाउ यू विल नो अबाउट द इलिटरेसी वुमन पोजिशन इन सोसाइटी। एडिक्शन ऑफ ड्रग्स चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा इज दिस लेसन। अब इस पार्ट में हम तीन चीज़ों को जोड़ दिया गया है, एक तो इलिटरेसी मतलब शिक्षा का अभाव, वुमन पोजिशन इन सोसाइटी मतलब जो आज समाज उसमें नारी का स्थान, और एडिक्शन ऑफ ड्रग्स कि किस तरह लोग ड्रग्स के आदि होकर अपना फ्यूचर सारा बर्बाद कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं उनसे काम लिया जाता है और उनको शिक्षा नहीं दी जाती, इससे भी हमारा देश पिछड़ रहा है। फर्स्ट हेडिंग इलिटरेसी। लैक ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड इलिटरेसी। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट
एजुकेटेड सिटीजन हेल्प टू डेवलप डेमोक्रेसी द एजुकेटेड पर्सन इज एलो फ्रॉम डिफरेंट सोशल एविल्स एंड ऑल्सो इंस्पायर्स अदर टू शन दिस एविल्स सिंस एंशियंट टाइम्स दे हैव नो ट्रेडिशन ऑफ ऑर्डरली एजुकेशन इन इंडिया In fact, is India colonial rule did not made effort for education at all. Only 80% were educated. After independence, India made sincere efforts in the direction, but even today only 65% people are educated and still a majority is illiterate. जो पहले का भारत था उस समय भी शिक्षा अच्छी दी जाती थी, लोग गुरुकुल जाते थे, लेकिन जब कॉलोनियल रूल आया मतलब ब्रिटिशर्स आया तो उस समय मात्र 18% लोग थे जो शिक्षित थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सरकार द्वारा उस पर प्रयास किया गया और आज 74% साक्षरता है जो देश की मेजोरिटी बढ़ाने में सहायक हो रही है, क्योंकि शिक्षा जो है अ मेन सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. The educated man only not saves himself from social evils, but also can help in the production by using his knowledge of science and technology. Thus, he can increase his income by obtains proper return of labor. Hence, getting education is a must of all. केवल जो शिक्षित पर्सन है वो केवल अपना ही लाइफ नहीं सेव करता या अपने आप को ही नहीं बचाता बुराइयों से, बल्कि वो लोगों को भी समझाता है, नॉलेज देता है कि किस तरह हम इनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं. गेटिंग एजुकेशन इज मस्ट फॉर ऑल, इसलिए शिक्षा को सबसे सर्वोपरि बताया गया है. अब ये एक टेबल है, ये एक टेबल है जिसमें डिटेल दी गई है कि 1991 में हमारी रेट क्या थी, उसके बाद आफ्टर 2001 हमारी क्या है और प्रेजेंट में हमारी क्या है. और अगर आज हम 2020 को देखेंगे तो आज शिक्षा नीति काफ़ी बढ़ चुकी है, मेन और वुमेन में शिक्षा में बराबर का इम्पोर्टेंस हो गया है. नाउ एफर्ट्स आर बींग मेड बाय द गवर्नमेंट टू एजुकेटेड द इलिटरेट पीपुल. द चिल्ड्रन आर बींग अट्रैक्टेड टू स्कूल थ्रू वेरियस स्कीम्स. पढ़ना बढ़ना, आज एक सोशल वो स्कीम चलाई गई है पढ़ना बढ़ना, मतलब सभी बढ़े और सभी पढ़े. सर्कल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द विलेजेस ऑफ एमपी. वी नो डेट ओनली एजुकेटेड सिटीजन कैन बी हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ कंट्री एंड डेमोक्रेसी हैज बीन मस्ट स्टेम्प आउट इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी फ्रॉम अवर कंट्री. सेकेंड हेडिंग इज पोजिशन ऑफ वुमेन. इन अवर एंशियंट स्क्रिप्चर्स ड्यू रिस्पेक्ट वॉज शोन टू वुमेन. पहले का जो प्राचीन समय था उसमें वुमेन की रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन आज का जो समय है, इस पैराग्राफ में ये है कि आज का जो समय है वो काफ़ी स्थिति बिगड़ गई है. वुमेन्स को वो केवल ये माना जाता है कि उसको घर पर रहना है, हाउस होल्ड है वो, और उसको केवल घर पर रह कर प्रिपेयर फूड करना है, बच्चों को और फैमिली के लिए खाना बनाना है और बच्चों का ध्यान रखना है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट कम होती जा रही है. तो थ्रू दिस आर वेरी डिफिकल्ट वर्क बट वुमेन वेयर नॉट गिवन इक्वल स्टेटस इन फैमिली. तो समाज में उसको वो दर्जा नहीं मिल पा रहा जो उसको दिया जाना चाहिए. द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी वॉज इग्नोर. उसको हमेशा इग्नोर किया जाता है. इवन टूडे दिस कंडीशन इन सीन टाउन्स एंड विलेजेस. एट प्रेजेंट वुमेन परफॉर्म द सेम वर्क विच मैन डू इन सिटीज, बट डिस्पाइट दे कैन एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन कुकिंग एक्सेट्रा. आज महिलाएं भी पूरा वही काम कर रही है, लेकिन उस पर फिर भी उनसे यह माना जाता है कि उनको फिर भी घर और बच्चों को तो देखना ही है. अवर सोसाइटी इज मेल डोमाइंड सो विथ द चेंज ऑफ टाइम. अब समय आ गया है चेंजिंग का. वी मस्ट चेंज अवर आउटलुक बिकॉज इन द सर्विस सेक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विसेज, पुलिस, डिफेंस, आर्मी, स्पोर्ट्स साइंस एंड अदर फील्ड फाइंड वी वुमेन डूइंग देयर जॉब सक्सेसफुली. लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और वो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, पुलिस हो, डिफेंस हो, आर्मी हो, या कोई भी खेल जगत हो, हर जगह महिलाएं भी अपना योगदान दे रही है. इन फ्यू फैमिली वुमेन्स आर टॉर्चर फॉर बींग रिंग इनफ डोरी. लेकिन फिर भी कुछ आज समाज है में कुछ परिवार है जो उसको दहेज के लिए फोर्स करते हैं, और उसको जब गर्ल्स उसके बेटी होती है, मतलब बेटी होती है, तो उसको टॉर्चर किया जाता है. द वुमेन बींग मेड अवेयर फॉर देयर राइट्स एजुकेशन, हाउ देन कैन प्रोटेक्ट देयर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ सच एजुकेशन इज गिवन टू देम इन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. मीनिंग वुमेन आर नॉट गिवन एजुकेटेड एजुकेट प्लेस इन सोसाइटी, डेमोक्रेसी विल बी फेलर इन इंडिया. कुछ ये लोग जो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आज अधिक से अधिक लोग समझ चुके हैं कि महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना प्रजातंत्र में पुरुषों का है.
नेक्स्ट हेडिंग इज ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वर एंड ड्रग एडिक्शन। जो लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं उससे उनके घर पर और परिवार में और देश में क्या इफेक्ट पड़ता है वो लोग। ड्रिंकिंग इज अदर सोशल एविल स्पेशली इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। जो मद्यपान है वह हमारे समाज की एक कुरीति है जो पूरे समाज को प्रभावित करती है। दिस हैबिट इज रूइनिंग मेनी फैमिलीज। यह इस पर जो रूइनिंग का द हैबिट ऑफ रूइनिंग मेनी फैमिली जो ये इसकी आदत है वो कई परिवार को बर्बाद करती है। द ड्रग एडिक्ट टॉर्चर्स चिल्ड्रन एंड वुमेन एट होम इन स्पॉइल्स पीस ऑफ फैमिली लाइफ एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंक्रीज। जो ये पीने की आदत है वो अपने बच्चों को और पत्नी को परेशान करते हैं और साथ ही साथ देश की सुरक्षा और शांति में भी नुकसान पहुंचाते हैं। सच फैमिली डू नॉट गेट सोशल रिस्पेक्ट। इट इज रेदर अनफॉर्चुनेट द पार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग एडिक्शन टू स्मेक ब्राउन शुगर हाशिश गुटखा एक्सेट्रा इज ऑन इन द कंट्री। इट इज रूइनिंग हेल्थ ऑफ द पीपल। एट प्रेजेंट लॉ हैव बीन इनेक्टेड नॉट टू ड्रिंक एंड स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस बसेस ट्रेन्स एक्सेट्रा। हेल्प इज बींग टेकन फ्रॉम फिजिशियंस टू फ्री पीपल हु आर ड्रग एडिक्ट। ड्रग्स रिलाइबिलेशन सेंटर्स एंड स्पिरिचुअल सर्मन्स आर क्वाइट हेल्पफुल इन द डायरेक्शन। आज जो शिक्षित लोग हैं उनके द्वारा ऐसे केंद्र खोले जा रहे हैं जहाँ पर जो ब्राउन शुगर जो जितने भी अपने नाम पड़े हैं गुटखा वगैरह उनको छुड़वाने के लिए उनके लिए कैंप लगाए जाते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर अपना ये छुड़वा सके आदत। एडिक्शन इज इंक्रीजिंग क्राइम्स एंड मॉरल वैल्यूज आर ऑन द वे। गांधी जी एफर्ट्स टू इरेडिकेट द एविल इन वर्थ मेंशनिंग। इसमें गांधी जी को लोग बहुत रिस्पेक्ट से याद करते हैं क्योंकि उन्होंने नशा के लिए बहुत सारे प्रयास किए कि भारत नशा मुक्त बने। इट वॉज ड्यू टू हिज टीचिंग दैट प्रोहिबिशन हैज बीन इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारे पार्ट 4 में बताया जा चुका है हमारे संविधान में। थर्ड पॉइंट इज चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर जो है एक प्रजातंत्र को रोकने में एक बड़ी कुरीति है। इस पैराग्राफ में हम जो पढ़ेंगे मैं आपको समरी के रूप में बता रही हूँ। चाइल्ड लेबर क्या है कि जो एक छोटे बच्चे को जो 14 साल से छोटे हैं उनसे जो काम लिया जाता है बाल श्रम का उसके कारण वो बच्चे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। लेकिन वो कारण किस कारण है वो पुअरनेस के कारण कि जब बच्चों को अच्छा खाना अच्छे कपड़े नहीं मिल पाते तो बच्चों से इस तरह का काम लिया जाता है। तो उसी क्राइम्स को रोकने के लिए फिर कि बच्चों को बढ़ा चढ़ा के इनसे काम लिया जाता है तो उसी काम के रोकने के लिए सरकार चाहती है कि जो 14 साल के अंडर के बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए। जब बच्चा शिक्षित होगा तो उसे फैक्ट्रीज में होटल्स में शॉप्स में कुछ भी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि काम करने का उद्देश्य यही है कि पैसा हो। तो इस तरह के काम को पूरी तरह बैन कर दिया गया है कि 14 साल से जो भी कम बच्चों को लेगा काम के लिए उनको लॉ के अंतर्गत सजा दी जाएगी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। किस तरह इनके कल्याण के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द पीपुल इंजॉय इक्वल राइट्स। सर्टेन कास्ट्स इन इंडिया आर सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकल वीकर। दे हैव बीन गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इनेबल देम टू कम एट पर वॉर विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आज प्रजातांत्रिक देश है जिसमें हर नागरिक को पूरी तरह एंजॉय करने का समान अधिकार है। सर्टेन कास्ट्स इन इंडिया सोसाइटी बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर। चाहे वो डेवलपिंग समाज हो या फिर थोड़ी इकोनॉमिक रूप से वीकर ही क्यों ना हो। दे हैव बीन गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इनेबल देम टू कम विद द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो वो क्या है समाज को सभी तरह से अच्छी सुचारू लाइफ जी सके तो यह उनको अधिकार है। द 46 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज। जो हमारा संविधान का आर्टिकल 46 है वो कहता है दैट द स्टेट विल प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल इनजस्टिसेस। जो उनके साथ मतभेद और जो उनके साथ जातिवाद को लेकर छुआछूत की भावना उन सबसे लड़ने के लिए उनको प्रोटेक्शन दी जाए। बिफोर इंडिपेंडेंस दिस कास्ट वेयर इग्नोर। पहले क्या होता था जब हम आज़ाद नहीं होते तो इन कास्ट को इग्नोर किया जाता था परेशान किया जाता था और
करीब समझा जाता। इवन टुडे दे पुअर एंड इलिटरेट समटाइम्स एक्सप्लोइटेशन एंड एट्रोसिटीज ऑन दिस पुअर पीपल आर हाईलाइटेड। आज इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। दिस कास्ट हैव देयर ओन सोशल सिग्निफिकेशन, हेंस द स्टेट हैज मेड एडिक्वेट प्रोविजंस ऑन दिस प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन। आज इनके रक्षा के लिए और इनको बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। देयर इंटरेस्ट एंड लाइट्स हैव बीन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर ए क्राइम। आज जो अगर छुआछूत की बात को कोई उठाता है तो उसको एक क्राइम माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पीपुल। संविधान में इन लोगों के लिए सुरक्षा दी गई है। लॉ हैज बीन मेड टू फ्री देम फ्रॉम जस्टिस एंड एक्सप्लोइटेशन। अन्याय के खिलाफ इनके लिए एक कानून बनाया गया है कि कोई भी इनके साथ कोई गलत काम ना करे। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर देम इन लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जनसंख्या के अनुसार इन्हें भी लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी संसद है उनमें भाग लेने का इनको भी पूरा अधिकार दिया गया है। फॉर देयर वेलफेयर सेपरेट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पुलिस एंड जस्टिस सेल्स हैव बीन क्रिएटेड। और इन सब के लिए एक डिपार्टमेंट पुलिस बनाया गया है कि अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो ये अपनी बात रख सकते हैं। सीट्स आर रिजर्व इन एजुकेशन एंड दे ऑल्सो गेट्स स्कॉलरशिप। इनके लिए हर क्षेत्र में शिक्षा, जॉब और जो भी हम काम करना चाहे उसमें इनके लिए भी एक क्राइटेरिया बनाया गया है और साथ ही साथ इनको शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम इन गवर्नमेंट सर्विसेज विद रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और साथ ही साथ इनको शिक्षा में कुछ छूट दी जाती है और साथ ही साथ इनको उम्र में भी कुछ छूट दी जाती है ताकि ये लोग भी शिक्षित समाज के साथ रह सकें और अपने देश में योगदान दे सकें। द नेशनल एससी एसटी एंड बैकवर्ड कमीशन इज ऑल्सो सेटअप। सच कमीशन है ऑल्सो सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। यह जो है राज्य सरकार द्वारा इनके लिए लागू किया गया है। द गवर्नमेंट इन इट्स एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज टेकिंग स्पेशल मेजर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ अवर सोसाइटी टूवर्ड्स देम। ये जो है सरकार ने इनको ऊपर बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं जिससे ट्राइबल्स का भी ऊपर उठ रही है। तो ये ऊपर उठ रही है। पीपल ऑफ दिस ट्राइब्स टुडे आर पब्लिक सर्वेंट, साइंटिस्ट एंड जजेस। आज ये ट्राइब्स के लोग भी साइंटिस्ट बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीजिंग फास्ट अमंग देम। देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन हैव आल्सो शोन इम्प्रूवमेंट। तो ये जब इनको पूरी तरह से छूट मिली और सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए गए तो ये शेड्यूल ट्राइब्स ने भी अपना सोशल और सामाजिक और इकोनॉमिक रूप में योगदान दिया है जो देश के लिए हितकारी है। हमने पढ़ा है अवर सोसाइटी, इसमें आपने चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी, वुमन एम्पावरमेंट सब पढ़ा है। तो आप चैप्टर रीड कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू क्लास।